तो भाई लोग अगर बात करें एडवांस बुकिंग डंकी की तो इंडिया में कब ओपन होने वाली है, और लेकिन मैं बात करूं ओवरसीज में जो तहलका इस मूवी ने मचाया है, मैं आप लोगों को क्या ही प्रूफ दिखाऊं और क्या चीजें आप लोगों को दिखाऊं जो मैंने आप लोग चीजें पिछले लास्ट वीडियो में दिखा के आप लोगों में थक गया हूं, क्योंकि भैया जी जो कमाल कर रही है और जो SRK की ओवरसीज मार्केट में बात चलती है ना, किसी एक्टर की नहीं है, ये प्रूफ हो जाता है। और जिस तरीके से ये भैया जी काम कर रही है ओवरसीज में डंकी, ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे UK हो या जहां भी हो, जर्मनी हो, हर जगह पर इस मूवी की लेवल इतनी जल्दी जा रही है, इतनी जल्दी जा रही है कि पूछो मत। और जो ओवरसीज में टिकट्स इसके बिक रहे हैं जैसे कि पानी हो भैया जी, हर जगह पर फैलता जा रहा है और ये ऐसा कमाल कर रही है। और ओवरसीज में जो इस मूवी की एडवांस बुकिंग को देखकर अब फैंस जो है वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 100% SRK की तीसरी मूवी होने वाली जो 100 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग लेने वाली है, और ये तीसरी मूवी बन जाएगी SRK की, और ये मूवी 100% 100 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग लेगी और ये कंफर्म हो जाता है। अब इंडिया में कितना कलेक्शन करती है, और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 16 दिसंबर को बोला जा रहा है कि ये जो मूवी है वहां आप लोग उसकी ओपन होते हुए नजर आएगी, लेकिन जब आएगी तो मैं आपको 100% बताऊंगा। लेकिन पहले दिन पर जो टिकट्स इसकी बिकेंगी और बुक माय शो पर आप इंटरेस्ट इसके बढ़ते जा रहे हैं, ड्रॉप 6 आने वाला है, बहुत सारी चीजें अभी इस मूवी की बाकी है, प्रमोशन अच्छे तरीके से की जा रही है, डे बाय डे हर कोई इस मूवी की बात कर रहा है, चाहे किसी भी हिसाब से वो बात चल रही है, इस मूवी की सॉन्ग्स के मामले में हो, कुछ भी मामले में हो, लेकिन डंकी की बात चल रही है। और डंकी जो कमाल कर रही है ओवरसीज में 100% कमाल ही कर रही है, और हमारी उम्मीद ज्यादा ही कर रही है, और हमारी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा डबल कलेक्शन कर रही है। अब देखते हैं लोग जो है यहाँ पर इंडिया में कितना प्यार देते हैं इस मूवी को, और यहाँ जब एडवांस मूवी खुलती है तो फिर कितना सपोर्ट मिलता है वो तब देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया जी हिंदी जो मार्केट होगी वहां पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सालार है, दूसरी तरफ डंकी है। अब डंकी की लेवल आप लोगों को पता है, क्योंकि ये मेगा स्टार की मूवी, किंग खान की मूवी है, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि भैया जी ग्लोबल स्टार को कोई जो है वो नहीं रोक पाएगा। अब देखते हैं कमाल क्या ही होता है, वो तो तब जब 21 और 22 को बाद चलेगा, लेकिन अनबिलीवेबल टोटल मूवी है और अनएक्सेप्टेबल है। मैं अगर बात करूं तो टोटली गूज बम देने वाली 21 दिसंबर को, क्योंकि राजीव रानी इसके डायरेक्टर हैं, तो फिर उम्मीदें बढ़ जाती है। आप लोग मुझे बताओ आप लोग